हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पर हर्षण योग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार ये योग शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में किए जाने वाले कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर रविवार को एक संस्था द्वारा राधा कृष्ण पर आधारित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राधा और कृष्ण की वेशभूषा में लड़कियों ने नृत्य प्रस्तुत किए और बड़े ही धूमधाम से पर्व को मनाने की बात कही, जिसके संबंध में संस्था की कृति गुप्ता ने बताया कि रूप और सज्जा और राधा कृष्ण के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कृति गुप्ता ने कहा, कीर्ति गुप्ता है। अक्सर था अभी ओपन हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो सारे बच्चे इंटरेस्टेड थे इनको तैयार करना और एक हफ्ते से इन्होंने प्रैक्टिस किया है और तैयारी भी की है डांस का, प्रोग्राम का और डेकोरेशन वगैरह भी सारी चीज़ें किए हैं और इस काफ़ी खुश हैं बच्चे। थैंक यू। इससे आप समझते हैं कि इनका प्रतिभा निकल के बाहर आएगा और एक कहीं हाँ, भी बिल्कुल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी ये लोग अपना, इन लोगों को सिखाया गया इस पर्व से कि ये कहीं भी अपना सेट कर सकती हैं, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो और इनको मंच पे अगर प्रोग्राम करना हो तो बेहिचक कर सकती हैं ये लोग।